एक फोटो चाहिए, एक फोटो वन पिक हां देख ना। YouTube चैनल बैक, यू कैन सी द नेम। टेक द फोटो चलो, थैंक यू। सो गाइस, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को 6:30 तक विरार टोल नाका पहुँचना है। तो मैं 5 बजे मेरी बाइक चालू करूँगा, थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ, नहा लेता हूँ, ठीक है, फिर करते हैं अपना इंट्रो। सो हो गए फ्रेश अभी हम। तो अभी मैंने जस्ट गूगल पे चेक किया, इधर से विरार टोल नाका मॉर्निंग के अभी टाइम देख लो आप, 4:15 पे 2 घंटा दिखा रहा है। कल रात को 2 घंटा दिखा रहा था, हमको लगा सुबह थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, पर तो बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा मतलब, और क्योंकि फाउंटेन होटल का इधर पूरा रेड है, जो आपको पता है फाउंटेन होटल का राइट है जो मीरा रोड से आता है, वो तो सब राइडर्स को पता ही होगा मोस्टली ये चीज़, क्योंकि वो सबको परेशान करती है। और थोड़ा आगे जाके और ऑरेंज पैच है विरार टोल नाका के पहले, तो मेरे को नहीं पता क्या सीन है, तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ अभी 4:30 को कैसे भी करके। और गाइस मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि हम जा किधर रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं दमन मोती बीच, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी जगह है, रोड भी काफ़ी अच्छे बने उधर बीच के बाजू में, लक्की गवर्नमेंट ने बहुत काफ़ी अच्छा रोड बनाया है। और मेरे साथ और 4 लोग आ रहे हैं, सबके पास TRK है, एक के पास TNT 300 है शायद बनेले की, सब बनेली राइडर्स है। ओके तो मिलते हैं उनको, उन लोग भी सीधा मेरे को मिलेंगे विरार टोल नाका पे। ओके सब लोग विरार टोल नाका से आने वाले हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा टेंशन होगा कि मैं लेट नहीं होना फालतू का। तो गाइस क्या है आप लोग के, उम्मीद करो सब बढ़िया होगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आज हम जाने वाले हैं दमन मोती बीच, जो कि है 169 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। और मेरे को जो राइडर्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे मेरे को विरार टोल नाका पे, जो कि फाउंटेन होटल के पास वगैरह आएगा। सो अभी टाइम इधर हो रहा है 4:48 और मैं निकला हूँ मेरे घर से अभी अपनी B2.2 लेके। सीधा विरार टोल नाका मिलूँ क्या आपको, क्योंकि फाउंटेन होटल में तो रास्ता सबको पता है, सब जाते ही है। और अभी जो रास्ता है काफ़ी डार्क है, मतलब आपको क्लैरिटी भी अच्छी आएगी नहीं मेरे कैमरा की। तो मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपको सीधा विरार टोल नाका मिलता हूँ, है ना। तब से मेरा चालू होगा राइड का, तो अपना वीडियो लंबा भी नहीं बनेगा और जो मेन कॉन्टेंट है वो भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं सीधा विरार टोल नाका पे, ठीक है। विरार टोल जो है वो आ चुका है, ये रहा आई मीन ऑपोजिट साइड का ये रहा, ठीक है। तो जो अभी बाकी राइडर्स है तो उन लोग अभी निकले, एक लोअर पर से निकला है, अब मेरे को नहीं पता उसको कितना टाइम लगे पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक तो थी, पूरा घोड़बंदर रोड जाम था, पूरा घोड़बंदर रोड, मैं आधा रास्ता ना घोड़बंदर, पूरा रास्ता घोड़बंदर का ऑपोजिट साइड से आया हूँ, नहीं तो मैं खुद ट्रैफिक में अटका रहता था, बहुत ट्रैफिक थी, पता नहीं क्यों इतनी सारी ट्रक। एक्चुअली मैं देखा एक ट्रक ख़राब हो गई थी, मैं उसको ऑडिट किया जब मैं नॉर्मल साइड पर आया, तो अभी पता नहीं ये लोग को देखते कितना टाइम लगता है, क्योंकि हम तो पहुंच गए इधर अभी, लेकिन आगे कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं है, या तो मैं बैठ जाता उधर ही कुछ खा भी लेता था, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरे ग्रुप वाले छोड़ के बाकी सब राइडर्स आ गए इधर, मेरे ग्रुप राइडर्स को छोड़ के बाकी सब राइडर्स आ चुके हैं इधर, देखते हैं अभी कभी आते हैं लोग, तब तक हम अपनी जो है कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। दिस इज़ माई बाइक, एक और राइडर आ गए प्रसाद भाई, जिसकी TNT है 300, और एक और है जिसकी TRK 502 है, BS4 मॉडल। ओके सो अभी मैं वापस मेरी सेकेंड ड्रिंक पी रहा हूँ चाय। एक और राइडर है महेश, जो कि लोअर परेल से आ रहे हैं, आई मीन वो पहुँच गए, वैसे ईस्ट पे पहुँचे, लाइव लोकेशन सबका शेयर हुआ है,
तो बस आते ही होंगे वो, फिर हम निकलेंगे हमारी राइड पर। फिर अभी जो है तो गाइस अभी जो है राइड चालू करते हैं, क्योंकि सब राइडर्स आ गए इधर तो अभी निकलेंगे हम। स्टाइल थी ब्रो, सीधा मेन स्टैंड से उतारा और चालू राइड। सो लो आगे निकले, काफी फॉग दिख रहा है मेरे को उधर, पीछे देख रहे हो माउंटेन देख रहे हो, वो पूरा कवर्ड हो गया। नवंबर में हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? अमृतसर हरिद्वार, आपको बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं ना व्लॉग। काफी सही वेदर है, जस्ट लुक एट इट गाइस, ये देखो, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को क्या फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को, फाइनली ड्रीम कमिंग ट्रू। अपनी बीस्ट 2.0 और ये रहे हमारे महेश भाई जो बाल बना रहे। हाय गाइस, सो गाइस फाइनली हम लोग अभी इधर पहुंच चुके हैं होटल अतिथि। बाकी दो राइडर्स का थोड़ा उनका बाइक में इशू हो गया, तो 15-20 मिनट से पीछे, तो हम लोग वो लोग इधर ही स्टॉप है उनका भी, सो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं इधर, फिर हम लोग सीधा रुकेंगे दमन, उसके बाद में नो स्टॉप। इफ किसी को नेचर्स को आया तो बात अलग है, तब तक नो स्टॉप कंटिन्यूस राइडिंग। तो अभी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। गाइस अभी ब्रेकफास्ट हम लोग का आ गया है, सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर सीधा दमन के लिए निकलेंगे। बीच में कोई रुकने नहीं वाले क्योंकि पहले ही लेट हो गए, और इन भाई साहब को सबसे पहले इनको ही जल्दी जाना है और यही सबसे लेट आए। सो सीधा मिलते हैं बाइक पे। अभी बारिश है कि फॉग है कुछ समझ नहीं रहा है मेरे को, बारिश है कि फॉग है, फॉग है बारिश है समझ नहीं रहा है। वो देखो गाइस, फॉग देखो, ठंडी लग रही है मेरे को तो। सही क्लाइमेट हो गया मैं बोल रहा हूँ आपको। ओह शिट, देखो जरा वो क्लाइमेट को देखो, आप वेदर को देखो, पूरा जो है एकदम फॉग, ऐसा लग रहा है किधर मनाली मनाली ट्रिप जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, सही में मेरे को लग रहा है कि मैं मनाली ट्रिप जा रहा हूँ। क्या ये? वो देखो, जस्ट लुक एट दैट, ठंड
ठंडी लग रही है। मैं तो मेरे को लग रहा है विंटर लाइनर लग रहा है, विंटर लाइनर। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यार से सीधा अंदर। ओके, ये जो लेफ्ट ले लिया है आप बोर्ड देख सकते हो सामने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवे भरूच डिवीजन लिमिट स्टार्ट NH 848, पता नहीं क्या। चलो मैंने ग्लव्स इसलिए निकाल के रख दिया था क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है। हाँ धूप तो नहीं है, ठीक है धूप नहीं है पर फिर भी गर्मी हो रही है। और ये रहा जैसे आप लेफ्ट मारोगे दमन का रेलवे इधर से बड़ौदा वगैरह, तब जो ट्रेन जाती है मुंबई बड़ौदा मुंबई राजस्थान वगैरह सब यही रूट है। अरे इसको टाइट नहीं किया, मैं वो सोचू आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, स्क्रू हिलने की आवाज़ आ रही थी तो ये स्क्रू था वो। सब कुछ रोड है जब आप दमन के लिए लेफ्ट मारोगे तो गाइस इन्होंने जो है ये देखो आप एग्जॉस्ट लगाया है तो एग्जॉस्ट साउंड देखो। सुना की चार बाइक्स आगे महेश शगन प्रसाद जी, एक्चुअली बोला जाऊंगा सब में से बड़े हैं, और थर्ड लोगों से नाम एक्चुअली इतना पता नहीं है। तो कुछ ये लाइनअप है आप लोग का देख सकते हैं आप। तो ये जो है शायद गेट आ गई है यूनियन टेरिटरी में जो है हम एंटर कर रहे हैं दमन एंड ड्यू। बाइक हम लोग की है सीधे और एक दो बीस आगे राइट में कौन सा बीच जाना है पहले मोती दमन स्ट्रेट बाकी सब राइट में दिखाया उधर मोती दमन चले इधर सीधा मोती दमन दिखाया मोती दमन जाते हैं फिर सब कंटिन्यूएशन ना तो सब लाइन में घूमते रहेंगे फिर है ना। चलो सो गाइस ये देखिए आ गया कौन सा बीच है ये जयपुर बीच। ओके सो ये जयपुर बीच पहुंच गए हम अभी। ये रही हमारी बाइकों का सब लाइनअप। हाँ सो पहुंच गए। अरे मेरी लाइट चालू मैं अभी देखा भाई सुनना तेरे को पता है आगे जो बीच है ये कंटिन्यूशन उसे नया रोड बना है आगे ये रोड से सीधा सीधा जाऊं ठीक है क्या बीच का नाम है वो मोती बीच जंपर बीच नहीं नहीं वो वाला जेटी है ये वो बोल रहे वो जेटी बीच के इधर है ये रोड से सीधा सीधा जेटी पता नहीं जेटी उसको बोला मेरे को इसको रोड सीधा ही दिख रहा था ना मैं इसको ये रोड से सीधा जाते हैं। बियर गिरी बिर गिर गया अभी खोलेगा तो मस्त सब पता है बोलता नहीं पीता है। अरे तो घर वाले देखा तो है मैंने जिंदगी में थोड़ी है इधर बाइक नहीं लेके जा सकते क्या नहीं रे पापा देखो बाइक बीच पे लेके जानी ना एक ही बीच है कौन सा गोराई बीच। हाँ जाते ही वहाँ पे जाते ये रिकॉर्ड हुआ मेरे साथ फोटो खींचा रहे थोड़ा आगे लू मैं रुक थोड़ा आगे लेता हूँ गैप में तो गैप में ही है मेरा सो
सो गाइस ये रहा, ये रहा पूरा लाइनअप हमारा, देख सकते हो आप। ये देखो गाइस, ये रही पूरा, ये रहा एक्चुअली पूरा बीच। और मैंने एक चीज नोटिस की, ये बीच पे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये बहुत सारे हैं इधर, आई डोंट नो व्हाई। ये देखो आगे भी पूरा लाइन में चल रहे हैं लोग, ये देखो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे। सो मैंने तो पहली बार देखा इतने सारे, ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं जो भी बोलते हैं इधर है ना, इधर पक्का मैं रील डालूंगा इंस्टाग्राम पे, फ्लाई बाय वीडियो लेंगे इधर से। ये रास्ता पूरा खाली है और मस्त, इधर वीडियो अच्छा आएगा, वूं से जाएगी बाइक फिर दूर। वो यहाँ फोटोग्राफी चालू है, सब आके अपनी 20 2.0 के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा जो सबने को रुका के फोटो खिंचा रहे थे? इस चीज़ का भी अलग ही मज़ा है अपना, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं सनग्लासेस आना पता नहीं कैसे भूल गया। सो अभी आगे तक बीच पूरा कंटिन्यू हो रहा है, तो विल गो स्ट्रेट और फ्लाई बाय वाला रील ज़रूर देखना, काफ़ी भी स्मूथ साउंड आई है। सो अभी खाते हैं थोड़ी कुल्फी क्योंकि धूप हो रही है बहुत तीखी। कौन सा बोला? मैंगो है, पिस्ता है भाई, मलाई वाला दो ना मेरे को। मलाई कुल्फी, चेयर्स। वो बेस्ट है ना, अभी टेंशन नहीं उसका। पता नहीं कुछ अब से इधर आए, इतनी पानी की प्यास लग रही है ना हमको, गाड़ी लगाएगा मजा आएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो कब से पानी की प्यास लग रही है। अच्छा हुआ आई हैव दिस 2 लीटर बॉटल मेरे जिम वाली, तो मैं और महेश इसमें से पानी पी रहे हैं कब से। एक सेकंड ना गाइस, बहुत धूप भी, एक तो मैं गॉगल्स पता नहीं क्यों भूल गया। ये रहा पूरा बीच, आई मीन मतलब ठीक है। ये देखो बोटिंग वगैरह चल रही है। अरे हाँ, ये रहा लाइट हाउस मेन, और ये इधर फोर्ट वगैरह कुछ भी है, और सामने भी जूम करता हूँ मैं, दिख रहा है वो फोर्ट, तो ये फोर्ट वगैरह सब है इधर। सो गाइस अभी एंड करते हैं वीडियो, क्योंकि जाते टाइम का रास्ता तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, क्योंकि सेम ही रूट रहने वाला है, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, 1000 गोल है ठीक है। तो सब लोग बाय बोल दो प्लीज़, बाय भैया, बाय बाय।